चलिए आज हम कक्षा 9 के मैथ बुक की पार्ट बहुपद का एक्सरसाइज 2.4 का पांचवें सवाल का तीसरा भाग लगाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं और हमारा बहुपद क्या है, x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20। तो क्या करेंगे, ये हमें पता करना है कि इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी बड़ी पावर 3 है तो इसके गुणनखंड भी 3 होंगे। तो इसे क्या मानेंगे, पी एक्स बराबर 0, जैसे हमने पहले आपको बताया था। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, हमारा 20 है, तो इसका अगर फैक्टर करें तो 20 ही कम 20 मिलेगा हमें। तो इसका मतलब क्या है, हम x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो हम कैसे इसका पहले मान निकालेंगे, x का x प्लस 1 एक फैक्टर मानते हैं और इसे 0 मान लेंगे। तो x का मान क्या आया हमारा, -1। अब ये पी एक्स बराबर अगर हमारा 0 आ जाए तो ये हमारा एक फैक्टर होगा इस बहुपद का, नहीं तो होगा नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस x का मान इस समीकरण में लगा देंगे, ठीक है ना। एक्स की जगह -1 लगाना है हमें, बराबर एक्स की घात 3 दी हुई है, तो क्या करेंगे, -1 की घात 3 प्लस 13, एक्स की घात 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 की घात 2, फिर प्लस 32x दिया हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा -1, फिर क्या दिया है हमें 20। तो इसे सरल करते हैं, -1 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता है -1 ही मिलेगा। अब -1 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का 1, और 13 ही कम 13 क्या होता है, 1, और निशान कैसा आएगा, प्लस का। अब यहाँ प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो निशान कैसा आएगा, यहाँ पर -32। क्या बचता है, यहाँ दिया हुआ है हमें 20, ये लिख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, प्लस के एक जगह करेंगे और माइनस के एक जगह, प्लस का 13 दिया हुआ है और प्लस 20 आया है, तो यहाँ क्या आया हमारा, प्लस का 33 33। अब माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस के जितने भी अंक है वो लिखेंगे, -1 और -32 कितने हो गए, -33। तो उत्तर क्या आया हमारा, 33 में से 33 गया, हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, ये तो हमारा एक पक्का हो गया। अब बाकी के दो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले गुणनखंड से इस बहुपद में भाग करेंगे। तो इस तरीके से लिख लेते हैं इसे, x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20। किससे भाग करेंगे, ये जो हमारा एक इसका फैक्टर आया है x प्लस 1, यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमें x की घात 3 कैसे मिलेगा, अगर हम इसमें x स्क्वायर का गुणा कर दें तो x की घात हमें मिल जाएगा 3। तो क्या आएगा, यहाँ पर x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या करेंगे, इनके निशान बदल जाते हैं, ये x की घात 3 से x की घात कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो अब प्लस 13x स्क्वायर में से एक माइनस का x निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ
बारह एक्स स्क्वायर प्लस का। अब ये जितने भी इसके भाग इसके आगे बचाए वो ऐसे ही लिख देंगे निशान सही। 32x प्लस 20। अब यहाँ हमें 12x² लाना है तो क्या करेंगे, प्लस का निशान है यहाँ, प्लस का निशान लगाएंगे, 12 लिखेंगे और x² चाहिए तो यहाँ x है हमारे पास, तो किससे गुणा करेंगे, 12x से। तो 12x से इसमें गुणा करते हैं, x+1 में क्या बचेगा, क्या आएगा हमारे पास, 12x², 12 की 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 12x। अब इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें से ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब ये 32x प्लस का है और ये माइनस का 12x से, कितना बचेगा हमारे पास, 20x। और इसे यहाँ उतार लेंगे इसके साथ में। अब हमारे पास x+1 है और हमें क्या चाहिए, 20 चाहिए केवल, और प्लस का निशान है यहाँ, प्लस का निशान लगाएंगे, 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20x प्लस 20। अब इसमें से इसे घटाएंगे, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो हमें क्या द्विघाती है समीकरण क्या प्राप्त हुई, x² + 12x + 20। तो इसे अब हल करेंगे। इसे हल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें और इसका गुणा करते हैं, इसमें क्या है हमारे पास, 1 है, 1 × 20, तो क्या आएगा हमारे पास, 20। तो इसका 1 और इसका 20 गुणा करने पर हमें क्या मिला, 20। तो इस अब इस 20 को कैसे तोड़ेंगे कि हमारा 12 आ जाए, दस गुणा दो, 10 में 2 जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा हमें, 12 मिल जाएगा, और 10 में 2 का गुणा कर दे तो हमें 20 मिल जाएगा यहाँ, यानी कि ये जो फैक्टर किए हैं ये हमारा काम आएगा। तो क्या इसे लिखते हैं, x² + 10x + 2x + 20। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x यहाँ, x² यहाँ है तो इसमें से x निकल जाएगा, यहाँ से x निकल जाएगा, तो क्या आया कॉमन, x, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस, यहाँ से x बाहर चला गया, क्या बचा, 10। अब यहाँ प्लस है, प्लस ले लिया, अब यहाँ से 2 निकाल सकते हैं यहाँ, क्योंकि x है ही नहीं, तो यहाँ 2 निकालेंगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x और 2 × 10, तो क्या फैक्टर हुए यहाँ पर, x+2 और x+10। तो इस बहुपद के क्या गुणनखंड आए, उत्तर लिखेंगे x³ + 13x² + 32x + 20 के गुणनखंड क्या हुए, सबसे पहले वो वाला लिखेंगे जो हमने सबसे पहले निकाला है, वो क्या है, x+1। अब ये वाले लिखेंगे जो ये अब निकाले हैं, x+2 और x+10। ये हुआ इस तीसरे भाग का उत्तर। चलिए इसका चौथा भाग लगाते हैं, और ये इसका अंतिम भाग है, इसको दिया, ये दिया हुआ है हमें 2y³ + y²-2y-1। तो इसे हल करना शुरू करते हैं,
तो आपको पता है कि कोफिशियंट का फैक्टर करते हैं, इसमें क्या है हमें वन दिया हुआ है, वन का फैक्टर वन इक्वल टू वन ही होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या मानेंगे हम, वाई प्लस y प्लस वन मानेंगे, ठीक है। तो इससे y का मान निकाल लेंगे, y प्लस वन बराबर जीरो मानेंगे, तो y का मान क्या मिलेगा हमें, माइनस वन। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसके बराबर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर दो y की घात तीन प्लस y की घात दो माइनस दो वाई माइनस वन। तो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी सॉरी यहाँ पर y की जगह x लिख दिया था, तो इसमें क्या है, जहाँ जहाँ भी y है उसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस वन, p माइनस वन दो, क्या दिया हुआ है हमें, y की घात तीन, तो क्या करेंगे यहाँ माइनस वन लगाएंगे, इसकी घात तीन करेंगे प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस दो गुणा वाई दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे, माइनस वन, माइनस वन दिया हुआ है हमें। इसे हल करते हैं, तो माइनस वन को अगर हल करेंगे तो निशान का आएगा माइनस का, और एक कोई तीन बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, तो निशान आएगा हमारा माइनस का, और दो ही कम दो, ये हो जाएगा माइनस का दो। अगर हम माइनस वन को दो बार गुणा करेंगे हमें हल क्या मिलेगा, प्लस का वन, तो क्या आएगा यहाँ, प्लस वन, माइनस यहाँ है और इसका गुणा करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा हमें, प्लस दो ही कम दो, प्लस का दो हो जाएगा ये, और यहाँ आएगा माइनस वन। तो प्लस के एक जगह कर लेंगे और माइनस के एक जगह, प्लस के हैं एक और दो तीन, अब माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का दो और माइनस का एक, कितना आया ये, माइनस तीन, तो उत्तर क्या मिला हमें, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बिल्कुल पक्का है कि वाई प्लस वन इसका एक फैक्टर है। अगर इसके बराबर जीरो नहीं आता तो हम अगली बार क्या करते, वाई प्लस वाई माइनस वन लगाते और उससे हम इसका वाई का मान निकालते और जो भी मान आता उससे हल करते हुए जाते, तो जीरो आ जाता, कहीं कहीं ना कहीं इसे हल करते करते जीरो आएगा, क्योंकि इसका जब जीरो आएगा तभी ये फैक्टर इसका हो सकता है, नहीं तो हो नहीं सकता। तो अब इसे सवाल को आगे हल करने के लिए इस फैक्टर से इसे हम त्रिघातीय बहुपद को भाग करेंगे। भाग करने के लिए इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, दो वाई की घात तीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो वाई माइनस वन, तो किससे भाग करेंगे, वाई प्लस वन, जो हमारा एक फैक्टर आया है इसका। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, दो वाई क्यूब, तो हमें किस चीज की कमी है, दो की कमी है और वाई स्क्वायर की, इससे हम अगर इसमें गुणा कर दें क्या मिलेगा हमें, दो वाई की घात तीन, फिर प्लस में वन है, दो वाई का गुणा इससे करेंगे क्या मिलेगा हमें, दो वाई, सॉरी ये वाई स्क्वायर लगाना है, वो गलती से वाई लिख गया, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, दो वाई स्क्वायर। तो अब इसमें से इसे कटाएंगे, इसके लिए इसके निशान बदलेंगे, तो इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर है माइनस का, तो माइनस के दो वाई में से एक वाई जाएगा, क्या बचेगा हमें, निशान हमें माइनस का मिलेगा और वाई स्क्वायर बचेगा। इन चीज़ों को ऐसे का ऐसे ही निशान सहित उतार लेते हैं, माइनस दो वाई माइनस वन। तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस का वाई स्क्वायर, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, माइनस की और एक केवल वाई की,
माइनस वाई की इसमें गुणा करते हैं, क्या मिलेगा हमें, माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई की प्लस वन से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हमें, माइनस वाई। अब इसे इसमें से घटाएंगे, तो घटाने के लिए निशान बदलेंगे, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा हमारे पास, इधर माइनस का दो वाई है और ये प्लस का वाई है, तो हमें क्या बचेगा, माइनस का वाई, और ये माइनस वन हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो क्या आया, माइनस वन और माइनस वन। तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस की जरूरत है, माइनस वन की, ठीक है ना, वाई प्लस वन तो है, तो हमें क्या लाना है, यहाँ भी माइनस लाना है, यहाँ भी, तो हम किससे गुणा करेंगे, माइनस वन से, तो माइनस वन की वाई में गुणा करेंगे तो क्या, इसका निशान माइनस का हो जाएगा और वाई का वाई आ जाएगा, ऐसे ही माइनस वन की प्लस वन में गुणा करेंगे हमें क्या मिलेगा, माइनस वन। अब इसे घटाने के लिए हम इसके निशान बदलेंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, जीरो। तो इसे हल करते हुए हमें क्या मिला, दो वाई की घात दो माइनस वाई माइनस वन, ठीक है ना। अब इसे हम हल करेंगे, हल करने के लिए आपको पता है कि इसमें और इसका गुणा करेंगे, दो गुणा एक, क्या मिलेगा हमें, दो। तो अब दो को इस तरीके से तोड़ेंगे कि यहाँ पर हमें माइनस का निशान मिले, तो इसे किस तरीके से तोड़ेंगे, माइनस दो और प्लस वन, तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस वन, ठीक है। तो इसे हल करते हैं, दो वाई स्क्वायर माइनस दो वाई और प्लस वाई माइनस वन, इसे हल करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, दो वाई कॉमन निकालेंगे, वाई वाई बचेगा यहाँ पर और माइनस वन बचेगा। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, ताकि हमारा वाई माइनस आ जाए वन, तो एक निकालेंगे, तो क्या बचेगा हमें, वाई माइनस वन, तो यहाँ से इसका क्या फैक्टर मिलेंगे हमें, दो वाई प्लस वन और वाई माइनस वन, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हुआ हमारा, इसे लिखेंगे, दो वाई की घात तीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस दो वाई माइनस वन, इसका फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर आया हमें वाई प्लस वन, दो वाई प्लस वन और वाई माइनस वन, ये होगा इसका फैक्टर, इसके गुणनखंड तीनों, ठीक है। इसके हमने दोनों भाग लगा दिए, तीसरा और चौथा, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।